हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो कैसे हो आप सभी आई होप आप सभी अच्छे होंगे ठीक ठाक होंगे और अपना अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे और आप सभी को हरे कृष्णा राधे राधे तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अपनी सुबह से लेके यानी कि चार बजे से लेके दोपहर दो बजे तक की क्या दिनचर्या रहती है मेरी या मैं घर के कौन कौन से काम करती हूँ सुबह से लेकर दोपहर तक तो आज इस वीडियो में यही शेयर करूँगी उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट तो मेरी जो सुबह की शुरुआत है वो पानी पीने से ही होती है तो ये जो पानी है मैं अब से नहीं पी रही काफी साल हो गए मुझे ये पानी पीते हुए जैसे कि सुबह उठ के मुझे पानी पीने की आदत है तो दो गिलास जितने मैं पानी पी लेती हूँ और उसके बाद जो अपने नित्य कार्य से निवृत्त होकर उसके बाद मैं लगाती हूँ पूरे घर का झाड़ू तो आज मैंने जो है सीढ़ियों में से भी झाड़ू लगाया है क्योंकि आपको पता ही है कि अब मौसम इतना बेकार सा हो रखा है मतलब कि वैसे तो अच्छा है मौसम लेकिन अब जो जैसे कि मच्छर काफी से आ रखे हैं हो सकता है आपके यहाँ पर भी हूँ तो एकदम बारीक वाले जो मच्छर होते हैं ना जैसे जिसे पतंगे कहते हैं तो वो काफी सारे हो रखे हैं तो सुबह उठ के देखो तो इतने ढेर लगे होते हैं तो इसलिए सीढ़ियों में भी काफी सारे हो रखे थे तो मैंने झाड़ू लगा दिया अच्छे से और अब मैं आ गई हूं सीधा छत पर तो सुबह उठकर सबसे पहले जो घर का काम होता है मेरा वो होता है झाड़ू लगाने का तो झाड़ू मैंने लगा लिया है क्योंकि झाड़ू लगा के अगर मैं स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ तो दिमाग में टेंशन नहीं होती कि अभी झाड़ू लगाना है तो इसीलिए तो बर्तन जो है वो तो मैं रात को ही धो लेती हूँ मैं तो नहीं धोती खैर अंजलि की ड्यूटी है बर्तन धोने की तो रात के टाइम जो है वो धोती है तो झाड़ू लगाने के बाद जो रसोई में धुले हुए बर्तन होते हैं रात के फिर वो भी मैं जोड़ देती हूँ उसके बाद जो है अपनी जो स्ट्रेचिंग या योगा वगैरह थोड़ा सा कर लेती हूँ तो मच्छर काफी काटते हैं इस समय क्योंकि बाहर जो है मच्छर होते हैं और अब तो पतंगों का मौसम है तो वो भी काटते हैं तो इसीलिए जो प्राणायाम है वो मैं अंदर कमरे में बैठ के ही करती हूँ क्योंकि फिर मच्छर तो बाहर बैठने भी नहीं देते बिल्कुल भी तो जब भी मैं प्राणायाम करती हूँ तो कमरे की जो लाइटें हैं वो बंद करके ही करती हूँ तो आज मैंने इसलिए ऑन कर रखी हैं क्योंकि मुझे वीडियो शूट करनी थी इसलिए तो रसोई की एक लाइट ऑन कर लेती हूँ क्योंकि थोड़ी सी रोशनी आती रहती है बाहर से तो बस नहा धो के आ गई हूँ अब मैं रसोई में तो सूरज देवता जी ने भी दर्शन दे दिए हैं तो अब मैं अंजलि के टिफ़िन के लिए बना रही हूँ ये कुट्टू के आटे के पकौड़े तो अंजलि ने और दीपक जी ने जो है व्रत रखे हैं तो अंजलि के लिए तो मैं अभी तल दूंगी और दीपक जी के लिए जो है बाद में तलूंगी क्योंकि वो अभी गए हैं बाहर तो जब भी मुझे कुछ फ्राई करना होता है तो मैं इसी कढ़ाई में करती हूँ क्योंकि ये जो है फ्राई के लिए ही रखी हुई है हमने तो पकौड़े तलने हो भटूरे पूड़ी कुछ भी तलना हो तो इसी में हम तलते हैं तो पकौड़े तो तल गए हैं अब इनको रख देती हूँ मैं थोड़ी देर पंखे के नीचे क्योंकि गर्म पैक करूंगी तो ये फिर जो है गीले हो जाएंगे इसलिए तो अंजलि का टिफिन तो मैंने पैक कर दिया है और अब मैं आ गई सीधा अपने घर के मंदिर में और अब जगाऊंगी जोत तो अंजलि जो है अभी तैयार हो रही है तो आज इसने जो है कुर्कक्षेत्र जाना था अपनी फ्रेंड के साथ मतलब फ्रेंड के साथ तो नहीं कॉलेज से ही जो है ट्रिप जा रहा था पर लेकिन फ्रेंड भी नहीं गई और फिर इसका भी कैंसिल हो गया वैसे मैंने तो इसको कह दिया था जाने के लिए पर लेकिन इसका फिर फ्रेंड नहीं गई तो ये भी नहीं गई तो बस पूजा भी मेरी हो ही है और अब मैं कर रही हूँ आरती तो पाठ वगैरह जो भी मुझे करना था वो भी मैंने कर लिया है और अब मैं माता रानी की आरती कर लूंगी और यहाँ पर विराजमान है हमारे बाल गोपाल बिहारी जी तो पूजा तो सारी हो गई है और अब थोड़ा सा ये जो जल है चढ़ा दिया जाए खेतरी में तो बस चाय वाय पीने के बाद अब मैं आ गई हूँ सीधा बाहर तो मैंने जो है कपड़े धोने वाली मशीन भी लगा रखी है और मैंने सोचा चलो साथ में गेहूँ भी धुल जाएगी तो क्योंकि आज नाश्ता करने की इच्छा नहीं है चाय के साथ मैंने रस वग़ैरह खा ली थी और हस्बैंड अभी आए नहीं है तो उनका जो नाश्ता है वो बाद में ही बनेगा तो वैसे तो मैंने एक बार की जो गेहूँ है वो धो के सुखा के साफ करके अच्छे से बांध के रख दिया कट्टे में तो ये भी रखी हुई थी तो मैंने सोचा चलो थोड़ी सी और रखी हुई है इसको भी मैं धो देती हूँ और सुखा देती हूँ क्योंकि अब त्योहारों का टाइम है तो फिर तो बीच में टाइम मिलेगा नहीं गेहूँ वगैरह धोने का या सुखाने का तो इसीलिए तो आज धूप भी अच्छी निकली हुई थी तो मैंने सोचा चलो कपड़े तो धुल ही रहे हैं साथ में ये भी धो देती हूँ तो वैसे तो जब भी मैं गेहूँ धोती हूँ तो चारपाई पर फैला देती हूँ तो उसी पे सूख जाती है लेकिन आज मैं जो है इसको नीचे डाल रही हूँ वो इसलिए क्योंकि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हो गया है तो मैं सोच रही हूँ कि जितनी जल्दी सूख जाए उतना ठीक है तो गेहूँ धोना भी एक घर के काम की रूटीन में ही आता है क्योंकि इसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि आटा खत्म होने से पहले जो है हमें गेहूँ धो के और अच्छे से सुखा के साफ करके जो है रखनी पड़ती है और अब तो वैसे भी त्यौहार शुरू हो गए हैं तो इसीलिए त्योहारों से पहले ये वाला काम भी हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है नहीं तो बीच में पता चले कि आटा ही खत्म हो गया है तो फिर गेहूँ तो एकदम से सूखती भी नहीं है ना तो इसको सूखने में भी टाइम लगता है तो इसीलिए मैंने ये भी काम ख़त्म कर दिया है तो बस धुल तो गई है अब अपने आप सूखती रहेगी क्योंकि इसको सूखने में भी, भी जो है पाँच से छः दिन तो लग ही जाते हैं तो बस अब मैं आ गई हूँ रसोई में और अब मैं धुलूँगी बर्तन तो जैसे कि मैंने आपको बताया आज नाश्ता करने की जो है इच्छा नहीं है तो जब दीपक जी आएंगे तो मैं उनसे पूछ लूंगी अगर उन्होंने पकोड़े खाने होंगे तो पकोड़े तल दूंगी मैं जैसे कि मैंने आपको बताया उन्होंने व्रत रखा है तो व्रत वर, वाले पकोड़े तल दूंगी नहीं तो दूध पीना होगा तो दूध पी लेंगे नहीं तो वैसे तो वो सुबह के टाइम जो है फ्रूट या खीरे वगैरह ही खा लेते हैं और दोपहर के टाइम जो है पकौड़े वगैरह अगर खाने हों तो तब खाते हैं तो बर्तन वगैरह तो मेरे धुल गए हैं बर्तनों को मैं बाहर धूप में रखा ही हूँ जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि जब बर्तन भी मैं धोती हूँ तो उनको बाहर धूप में रख देती हूँ तो अब यहाँ से जो है सिंक भी अच्छे से मांज लिया मैंने और इसको साफ़ कर दिया तो गैस वगैरह मैंने पहले ही मांज ली थी तो रसोई अच्छे से सारी साफ करके मैंने डिटोल से हाथ धो के अच्छे से और ये आलू धो के रख दिया उबलने के लिए तो दूसरी साइड जो है मैंने कढ़ाई रख दिया क्योंकि इसमें मैं बनाऊंगी आलू गोभी की सब्ज़ी तो गैस मैंने कम कर दिया और तेल डाल दिया तो तेल जब तक गर्म होता है तब तक जो है मैं ये कपड़े डाल देती हूँ तो कपड़े जो है अच्छे से ड्राई गए थे तो मैंने सोचा इनको भी साथ साथ डाल दिया जाए तो तेल जब तक गर्म होगा तब तक ये भी काम हो जाएगा तो मेरा जो काम करने का तरीका है वो ऐसे ही है जब मुझे कपड़े धोने हैं अगर पता होता है कि गेहूं धोनी है तो वो भी साथ में धुल जाती है और साथ में मेरे बर्तन भी धुलते रहते हैं मतलब कि अंदर बार मैं होती रहती हूं तो अब जैसे कि तेल गर्म होने के लिए रखा है तो मैं जो है फटाफट से ये कपड़े अच्छे से झाड़ के डाल दूंगी तब तक जो है तेल गर्म हो जाएगा तो ऐसे ही मैं जो है काम करती हूँ तो क्योंकि मुझे कन्नू को स्कूल से लेके भी आना होता है जैसे छोड़ के आती हूँ तो फिर मेरे को लेके भी आना होता है उसको साढ़े के करीब तो इसीलिए जो है साढ़े बारह तक जो है मुझे घर का एकदम सारा काम कंप्लीट करना होता है तो वैसे तो घर का, का काम जल्दी भी हो जाता है लेकिन हस्बैंड जो है थोड़ा सा लेट जाते हैं साढ़े दस बजे के करीब और आपको पता ही है कि घर से जब सब जाते हैं अपने अपने काम पर तो घर की जो साफ़ सफ़ाई तभी हो पाती है तो जैसे कभी एक्स्ट्रा काम होता है तब मैं लेट हो जाती हूँ जैसे कि कपड़े धोने हो गया या गेहूँ धोने हो गई या रसोई में कुछ एक्स्ट्रा क्लीनिंग कर ली तो तब जो है लेट हो जाता है काम तो वैसे तो जो है टाइम पे हो ही जाता है तो तेल अच्छे से गर्म हो गया था तो मैंने गैस कर दी है बंद और अब ये थोड़े से कपड़े मैं यहाँ पर भी डाल दूँगी तो ये जो छोटे छोटे कपड़े हैं ये मैं चारपाई पे पर ही डाल दूंगी क्योंकि धूप अच्छी है तो यहीं पर ये सूख जाएंगे बाहर से तो मैंने झाड़ू लगा दिया है और अंदर से जो है जस्सू झाड़ू लगा रही है तो आज इसकी है छुट्टी तो अंजलि और कन्नू तो गए हैं उनकी छुट्टी नहीं थी पर लेकिन इसकी आज जो है कॉलेज की छुट्टी थी तो इसीलिए जब भी बच्चे घर होते हैं तो झाड़ू पोछा लगाने का काम जो है फिर इन्हीं का ही होता है तो आज जो है मेरी इस काम से छुट्टी है तो कल से फिर मेरी ड्यूटी लग जाएगी क्योंकि कल ये भी जाएगी तो अभी कन्नू को लाने में तो काफ़ी टाइम है तो अब मैं थोड़ी देर जो है आराम करूँगी क्योंकि मैं अभी काफ़ी थक चुकी हूँ क्योंकि सुबह से उठ के लगी हुई हूँ इसलिए तो ये देखिए इस पर जो है कलियानी स्टार्ट हो गई हैं गुलाब के प्लांट में तो इसमें से मैंने घास निकाल दी थी आपको वीडियो भी दिखाई थी तो उसके बाद से जो है कलियाँ स्टार्ट हो गई हैं और अब मैं आ गई रसोई में तो आराम मैंने सोचा थोड़ी देर में ही करती हूँ क्योंकि ये सब्जी मैं रख देती हूँ तेल तो गर्म ही था तो इसमें मैंने जो है हींग डाल दी है और हींग के साथ मैंने डाला है इसमें ज़्यादा सारा अदरक क्योंकि जो गोभी होती है फूल गोभी इसमें अगर अदरक का हम तड़का लगाते हैं तो ये काफी स्वाद बनती है तो अभी ये जो गोभी है नहीं है तो इसमें जो है जैसे टमाटर प्याज वगैरह कुछ ना डालो ये उसके बिना ही जो है काफी टेस्टी बनती है तो मैंने खाली इसमें अदरक का तड़का लगाया है और जीरा डाला है थोड़ी सी हल्दी थोड़ी सी लाल मिर्च और नमक डाला है इसमें और थोड़ा सा गर्म मसाला भी मैंने इसमें डाल दिया है तो बस इसको मिक्स करके मैंने ढक के रख दिया है तो जब तक ये तो गैस मैंने कम कर दिया और अब मैं आ गई हूँ अंदर तो लाइट कर देती हूँ मंदिर की बंद तो सब्जी भी मेरी बन गई थी और मैंने उसके बाद आलू भी छील लिए और थोड़ी देर फिर मैंने आराम करा और फिर मैं जो है कन्नू को भी स्कूल से ले आई हूँ तो अब मैं जाऊँगी सीधा रसोई में क्योंकि मुझे बनाना है व्रत वाला खाना तो वैसे तो दीपक जी जो है टिफिन ले जाते हैं अपना साथ में लेकिन व्रत वाले दिनों में जो है घर पर ही आते हैं खाने के लिए तो अब मैं जो है आलू की सब्जी बना लूंगी क्योंकि व्रत में जो है आलू ही खाए जाते हैं ज़्यादातर तो ये मैं कुकर में ही तड़का लगा लूंगी जिसमें आलू बाले थे क्योंकि ये जो कुकर है ये कुकर का, का काम तो करता ही है कढ़ाई का काम भी करता है तो थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला घी डाल के थोड़ा सा जीरा डाल दिया था और जो भी जैसे नमक मिर्च और हल्दी तो ज़्यादा मसाले तो इसमें डालने नहीं होते क्योंकि व्रत वाले आलू हैं तो नमक मिर्च हल्दी डाल के उसके बाद ये जो है मैंने आलू भी मैश करके इसमें डाल दिए हैं तो अब इसमें जो है मैं पानी डाल दूंगी तो ये सिंपल से ही आलू बनते हैं व्रत में क्योंकि ये खाने में भी काफ़ी टेस्टी लगते हैं तो आलू की सब्जी भी मेरी बन गया और इसको मैंने ढक के रख दिया अच्छे से तो एक साइड में जो है मैं फुलके भी उतार लूँगी क्योंकि जिन्होंने व्रत नहीं रखा वो तो फिर आलू गोभी की सब्जी के साथ खाएंगे फुलके तो मैंने तो व्रत नहीं रखा है तो रोटी मैंने बना लिया है और अब मैं जो है लस्सी बना लूंगी तो दोपहर के खाने में दही या लस्सी हो जाए साथ में तो खाने का जो मजा है वो डबल हो जाता है तो मुझे तो काफी टेस्टी लगता है दही भी और लस्सी भी तो वैसे तो मैं दही खाना ही ज्यादा मतलब अच्छा लगता है मुझे लेकिन जब दही थोड़ा सा खट्टा हो जाता है तो फिर मैं जो है लस्सी बना लेती हूँ तो ये है हमारे आज का लंच तो अब जो है दोपहर के दो बज चुके हैं तो बस अब मैं लंच कर लूँगी उसके बाद